चलो सुनो भी ध्यान से, हियर एवरीवन हियर। सो क्वेश्चन ऐसा एवरीवन, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन यानी फॉर्मूला, डोर बंद कर दो बहुत आवाज आ रही, फॉर पावर कंज्यूम्ड यानी पावर का फॉर्मूला बनाओ, ओके, फॉर अ एलसीआर सीरीज सर्किट, फॉर अ एलसीआर सीरीज सर्किट। चलो सुनो, तो इस बार हमारा जो सर्किट है वो ऐसा है, कैसा है सब बोलो, एल सी आर तीनों है और तीनों कैसे सीरीज, और हमको बोला पावर ढूंढो जैसे हम लोग रोज निकालते हैं, ठीक है। अब ये नीचे जो छोटा सा डायग्राम ये हमने पहले भी देखे थे, जब पहले हमने एल सी आर किए थे, पहले भी हमने एक बार एल सी आर किए थे, ठीक है, उसमें भी हमने छोटे छोटे डायग्राम नीचे देखे थे। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस के केस में करंट और ई एम एफ दोनों इन फेज रहेंगे, सेम फेज रहेंगे, लेकिन जब बात कैपेसिटर की होगी, देखो करंट आगे है, कैपेसिटेंस या ईएमएफ पीछे है, मतलब करंट लीड करेगा, ईएमएफ लैग करेगा। यहाँ पे कहानी उल्टी है, यहाँ पे ईएमएफ लीड करेगा, करंट लैग करेगा, सही है, हमेशा ऐसे देखा जाता है, ऐसे, ओके, ये आगे ये पीछे, ऐसे ये आगे ये पीछे, ठीक है, ओके, चलो, ओके, पढ़ो जोर से, सपोज, पलक जोर से, भाई सिंपल सी बात है, हमसे कहा गया है कि भाई देखो हमारे सर्किट में तीन लोग हैं, एल है, सी है और आर है, ओके, और कैसा सर्किट है हमारा भैया, एसी सर्किट है, ओके। अब सुनो भाई, इस एसी सर्किट में यहां से ईएमएफ आ रहा है, कितना ईएमएफ आ रहा है भैया, बोलो, चलो भाई, अब देखो भाई क्या बोला गया, अब ऐसे सर्किट में क्योंकि तीनों है, क्योंकि एल बी है, सी बी है, आर बी है, हाँ इसीलिए लिखा है, फलक पड़िए, होल्ड ऑन, क्या लिखा, देखो देयर इज अ फेज डिफरेंस, कितना बोले, इन दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में, जितना ईएमएफ हमने अप्लाई किया, जितना करंट हमने अप्लाई किया, उन दोनों के बीच में डिफरेंस है कितने का, हाँ इसलिए हमने ऐसा लिखे, पढ़ो सर, प्लस माइनस फाइव क्यों लिए, क्योंकि यार सब है ना, एल भी है, सी भी है, आर भी है, अगर आप प्लस लिखोगे तो बोलोगे सर वो तो इसमें होता है, इसमें नहीं होता है, अगर आप माइनस लिखोगे तो बोलोगे सर इसमें होता है, इसमें नहीं होता है ना, सभी लोग हैं इसमें, तो क्या कर दो भैया, बोलो, ठीक है, चलो भाई, तो अब हमारे पास E है, सब बोलो इक्वल टू, और आई इक्वल टू, अब वही पुरानी घिसी पिटी रोज की कहानी, क्या निकालना है, चलो अभी कल के लेक्चर को अपने माइंड में रिफ्लेक्ट करो, इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला, ओके, अब E हमारे पास कितना है, E हमारे पास है E जीरो साइन ओमेगा टी, है ना, और I हमारे पास कितना है, I जीरो साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, पढ़ो जोर से, फलक, अब सिंपल अलजेब्रा, E नॉट I नॉट इधर, फिर साइन ओमेगा टी, फिर ये वाला पार्ट, सही है, ओके, पढ़ो जोर से, इतना रिवाइज करते हैं मोशीरा। अब इस सिचुएशन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, इस सिचुएशन के लिए क्या फॉर्मूला है, कम ऑन एवरीवन, मैक्स वालों को पता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, सर कभी यहां माइनस रहा तो भैया यहां पर भी, अब ध्यान से देखना वही फॉर्मूला, यहां ए है, यहां पे बोलो ना, थके हुए पढ़ते, यहाँ बी है, यहाँ पे बोलो ना यार भाई, ओके, तो इसका मतलब है जहां जहां ए है वहां पे ओमेगा टी डालेंगे, जहां जहां बी है वहां पे फाइव डालेंगे, सोच समझ के बताइए क्या हमको ये मिलेगा, चेक चेक करो खुद से, यूज योर माइंड नॉट योर माउथ, मुंह बंद रखो एकदम और चेक करो, सुनो भी ध्यान से, हियर
तो भाई अभी ध्यान से सुनना इधर, एवरीवन हियर। अब ऐसा है ना एवरीवन, ये वाला स्टेप पे हम लोग पहुंच गए। हाँ फलक, अब यहां बाहर कौन है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ। अबे ब्रैकेट तो ऐसे ही मल्टीप्लाई होता ना, ओके। तो ये अंदर में इसके साथ भी, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। और बाजू में कौन है, जब ये यहां मल्टीप्लाई होगा एक साइन ओमेगा टी, एक कॉस ओमेगा टी और एक सिंपल। फलक स्टेप पढ़ो, अब यहां बाहर कौन है, उसको भी अंदर भेज देंगे एक बार इसके साथ, देख लो कमन फोकस, और एक बार इसके साथ। सर ये टू तो यहां पे था ही नहीं। एग्जैक्टली था नहीं, इसीलिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टू लिख लो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टू किए, लिखो। चलो भाई, सो नाउ एवरीवन हियर, रहा सवाल सर क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड बाय टू किए, तो यार ये फॉर्मूला रोज ही हम लोग यूज कर रहे हैं अभी। क्या फॉर्मूला, ये टू साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू साइन टू ए, सही है। तो टू साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू साइन टू ए, सही जा रहा है एवरीवन। ओके लिखो ये फॉर्मूला, लिखो ये फॉर्मूला, हर जगह फॉर्मूला लिखो एवरीवन। एनी हाउ ये स्टेप पढ़ना, फलक जोर से, बस हमको मिल गया फॉर्मूला पी का। ये कौन सा पावर है सर, ये भैया बोलो ना यार, एकदम साथ साथ में चलते रहे, हमने इंस्टेंटेनियस पावर निकाल लिया। कैसे निकाला सर, देखो भाई एवरीबडी हियर, तो हमको पता है इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, सब बोलेंगे ऐसे बोल बोल के तो याद होगा एवरीवन। ऐसा वेट मत करो, एक स्पेशल दिन होगा जब मैं बैठ के याद करूंगा, ऐसा नहीं होता याद, ऑन द प्रोसेस चीजें याद होती है, घर पे बैठ के तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो। चलो सुने यहाँ पे, तो क्या लिखा है भाई, बोलो क्या फॉर्मूला है, ये आपका ई, ये आपका आई है। तो ये कहाँ से मिला सर, भैया ये आपका ई था और ये आपका आई था, ये हमने पहले डिफाइन करके रख लिया था। उसके बाद क्या हुआ भाई, उसके बाद हमने जब इसको थोड़ा सा सेट किए, दिखाया रही तो फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सही है। उसके बाद एवरीवन ये बाहर जो बचा था साइन, इसको अंदर लिखे गए ये मिला, फिर बाहर ई जीरो आई जीरो था उसको भी हम अंदर लेकर गए तो ये मिला, ओके। और यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टू। आप सोचोगे सर पहले इसको लेकर गए फिर इसको लेकर गए, सर एक साथ नहीं लेके जा सकते क्या, अरे बिल्कुल लेके जा सकते, वो तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, तो आपके कन्वीनियंस के लिए ऐसा किया गया है, अदरवाइज फटाक से एक झटके में अंदर जा सकता है। एनी हाउ यहाँ पे आके हमने किया मल्टीप्लाई डिवाइड बाय, बोलो ना हाँ ओके, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय टू, तो हमको ये वाला स्टेप मिला। और ये वाला स्टेप हमारा एक्सप्रेशन है किसका, कौन सा पावर है ये, बाप रे कौन सा पावर है ये, जब तक सर आप ऐसा बताएंगे नहीं हम बोलेंगे नहीं कौन सा पावर है। हाँ जबकि हमको क्या निकालना होता है, एवरेज पावर, कौन सा पावर निकालना होता है। अब एवरेज पावर की रोज की वही कहानी, रोज ये फॉर्मूला देख रहे हम लोग रोज। जोर से पढ़ो, याद कर लो भैया, याद कर लो, नहीं याद होना चाहिए आपको। हाँ ओके भैया, वही रोज की कहानी है। तो हमने क्या किया, जो भी हमारा पी का फॉर्मूला बना था ना, एक्सप्रेशन बना था, उसको उठा के यहां पे डाल दिए। कमॉन नाउ फोकस, सोच समझ के बताओ क्या यही मिलेगा, फोकस। फोकस फोकस हार्ड, सही है, यही मिलेगा। यस क्या किया, इसको उठाए इसकी जगह पे डाल दिए बस। अब अगर कोई कांस्टेंट था रास्ते में, कौन था, उसको बाहर निकाल लिए, जैसे कि ई नॉट आई नॉट, है ना, ये देखो ई नॉट आई नॉट इधर भी था, ई नॉट आई नॉट इधर भी था, तो हमने उसको बाहर निकाल लिए। सर टी कहाँ से, अरे टी नीचे था रे बाबा, है ना, बस बाकी सब ऐसे का वैसे ही, देख लो आप कंपेयर कर लो दोनों को, सही है। जोर से पढ़ना,
ओके, और अब ध्यान से देखना एवरीबडी हियर. तो नाउ अब हमको पता है इंटीग्रेशन में. अच्छा कोई बताएगा इस स्टेप में क्या मिसिंग है? वेरी गुड, डीटी नहीं लिखा हुआ देखो, है ना. ओके तो डीटी लिखो, नहीं लिखा हुआ तो लिखो. अब वो जो डीटी है ओके, वो डीटी ओके, अब ये दोनों को देंगे, यानी क्या करेंगे, अप्लाई इंटीग्रेशन टू ईच टर्म. वेरी गुड. अब इंटीग्रेशन इसको भी दिए, इंटीग्रेशन इसको भी दिए, तभी तो इंटीग्रेशन इधर भी आया, इंटीग्रेशन उधर भी आया. डीटी इसको भी मिलेगा डीटी. अब रहा सवाल, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना भाई. सुनो यहां पे ना, यहां पे कॉस फाई कौन, सिर्फ इसी पे देखना, सिर्फ इसी इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं हम लोग. हम दोनों इंटीग्रेशन करेंगे लेकिन वन बाय वन. फिलहाल इसी इंटीग्रेशन को ध्यान से देखना. इस इंटीग्रेशन में जितने भी कांस्टेंट है तो उसको, तो इस इंटीग्रेशन में कांस्टेंट कौन है सर? ये क्यों कांस्टेंट है सर? अरे भैया इसके पास टी नहीं है. क्या नहीं है सर? वैसे तो इसके पास, अरे भाई इसके पास टी है, आँख खोल के देखो जरा, है ना. तो इसीलिए ये अंदर रहेगा और कॉस वाई, कॉस वाई. तो याद रखना इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, हाँ जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर मिलेगा. बड़ा जोर जोर से इंटीग्रेशन. ठीक है चलो भाई, सेम कहानी इधर, इधर देखो, इधर है ना, ये कांस्टेंट है और ये भी, मतलब इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा. ये देखो ओके, अब पहले वाले पार्ट का आंसर लिखा गया यहाँ पे कि भाई हमने अभी अभी सुना था इसका इंटीग्रेशन क्या होता है और बाहर कौन आएगा, तो इसका पूरा आंसर ये होगा. पड़ोस फलक जोर से, और वो जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में याद है ना इंटीग्रेशन इसका होगा साइन टू ओमेगा टी डी टी, और इसका इंटीग्रेशन पढ़ो हाँ, लेकिन हमको मालूम है अगर इसका इंटीग्रेशन जीरो है, साइन फाइव तो कांस्टेंट है, अगर इसका इंटीग्रेशन जीरो है तो भैया पूरा का पूरा, बड़ो जोर से हाँ मेरी बात सुनो, ये वाला स्टेप था हमारा ओके. उसमें पता चला कि इसका आंसर तो वैसे भी बोलो ना जीरो आने वाला, और इसका आंसर क्या है भैया, टी बाई टू, और बाहर कौन आएगा, कॉस वाई. यानी जब हम सारी चीजों को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमको ये मिलेगा. पढ़ो पक्का यही मिलेगा, यस, क्योंकि सेकेंड पार्ट तो, सेकेंड पार्ट तो जीरो हो गया है ना. अच्छा अब इसको ध्यान से देखो ओके, ये टी और ये टी पढ़ो. और ये कहानी में कई बार बता चुका नीचे कौन है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, पढ़ो स्टेप पढ़ो. हाँ अभी हमको मालूम है ई नॉट अपॉन रूट टू, आई नॉट अपॉन रूट टू, तो हमको मिलेगा फलक. यस, तो फाइनल आंसर आया हमारा, बोलो सब लोग बोलो क्या मिला, एवरेज पावर, फिर से बोलो. सुनो फिर से बताता हूं मेरी कहानी क्या है, सुनो फिर से. तो हमसे कहा गया था फलक जोर से, ठीक है, तो हमारा टॉपिक ये था फलक पढ़ो. सबसे पहले सर्किट है, फिक्स कर लो एकदम अपने माइंड में, सर्किट को फिक्स कर लो एकदम वंस एंड फॉर ऑल, एक की बार में, एक की बार में दिमाग में डाल लो कि अभी अगर हटा दो और आपको बनाने बोलो तो एग्जैक्ट एग्जैक्ट बनाना आना चाहिए, ठीक है. चलो भाई अब ये एल है, ये सी है, ये आर है, हमने देखा भाई एल में ई लीडिंग आई लैगिंग, सी में आई लीडिंग ई लैगिंग, और यहाँ पे दोनों इन फेज, और ये हमारा ई एम एफ है अल्टरनेटिंग ई एम एफ जिसकी वैल्यू है, अब बोलो यार क्या है.
चलो भाई, मतलब हमारा ईएमएफ इतना है, पढ़ो, और ऐसे सर्किट में हमारा आई इतना होगा, पढ़ो। लेकिन हमको मालूम है, क्या मालूम है, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है। हाँ, तो ई इधर है, आई इधर है, ये स्टेप मिलेगा, पढ़ो। हाँ, अब क्या भैया, ये सबको सेट कर लिए यहाँ पे, और इसको ओपन किए, इसको ओपन करने का तरीका मैंने आपको बताया। ओपन करने का तो अपने को ये स्टेप मिलेगा, पढ़िए। अब मैंने आपको बताया, ये अंदर जाएगा पहले दोनों के पास, फिर ये स्टेप आएगा, पढ़ो। फिर ये जो बंदा बाहर है, ये भी अंदर जाएगा, तो ये स्टेप मिलेगा, पढ़ो। अब यहां पे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय टू, तो भैया हमको ये वाला स्टेप मिलेगा, क्योंकि ये जो इतना हिस्सा हो गया, ये अपने आप में एक फॉर्मूला है ना, पढ़ो स्टेप सोर्स। चलो भाई, ये जो फॉर्मूला बना, ये है हमारा एक्सप्रेशन, किसका, कौन सा पी है भैया, ये बोलो, इंस्टेंटेनियस पावर। अब किसकी बारी भैया, एवरेज पे, एवरेज पावर के लिए हमेशा एवरेज, ये बातें याद रखना, इसको याद कर लो, ओके। इसके पहले भी दो लेक्चर में हमने देखा है इसको, पढ़ो। यस, अब एवरीवन, जो पी है कौन है यहाँ पे, पी की तो बड़ा पूरी वैल्यू पड़ी है, डाल दो यहाँ पे, ये स्टेप मिलेगा, बोलो। अब जितनी चीजें कॉन्स्टेंट है सबको बाहर निकालो, और दोनों को इंटीग्रेशन दे दो, पढ़ो। अब अपने कॉस वाई तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन है, पढ़ो। और यहां पे साइन फाई बाहर आएगा, बचे हुए इससे का इंटीग्रेशन क्या होगा, जीरो। करके दिखाने की जरूरत नहीं है सर, इंटीग्रेशन कैसे किए भैया, अगर आपको चाहिए तो अपन देख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, अनवांटेड कंफ्यूजन है, खास करके अगर आपका मैक्स नहीं है, ठीक है, तो कंफ्यूजन हो जाता है, अरे ये कहां से है, ये कहां से है, ठीक है। इसलिए इन्होंने क्या बोला, भैया देखो खाली आंसर लिख देना, ठीक है। चलो एनी हाउ, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये है, पढ़ो। और सेकेंड पार्ट का आंसर ये है, पढ़ो। अब भैया उठा के सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऑब्वियसली एवरेज सब्स्टिट्यूट तो ये वाले स्टेप में होगा, है ना। अब हमको मालूम है इसका तो वैसे भी जीरो आएगा, तो जो भी आंसर है सिर्फ इसी का आंसर है, ओके, बस वही लिख देंगे। तो जब वो हमने लिखा तो हमको ये मिला, पढ़ो जोर से, टी टी कैंसल, पढ़ो। अभी जो टू है इसको लिखेंगे रूट टू इंटू ई नॉट अपॉन रूट टू, आई नॉट अपॉन रूट टू, फाइनल आंसर। ये ओके, ठीक है। चलो अभी ना मेरी बात सुनिए, जो अभी अभी हमने फॉर्मूला देखे, ओके, क्या फॉर्मूला था फलक, बेसिकली इस टॉपिक में ना एवरेन टर्मिनोलॉजीज है, इसको ये बुलाते हैं, इसको ये बुलाते हैं, इसको ऐसे टर्म्स है, जैसे कि एवरेज पावर, क्या भाई याद रखना, एवरेज पावर का एक और एक नाम है ट्रू पावर, क्या भैया, क्या पहली बात ये, मैंने कहा इस आंसर पे टर्मिनोलॉजी है, तो एवरेज पावर को क्या बोलते हैं, ट्रू पावर। दूसरी चीज, ये वाला जो पार्ट है ना, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, सब बोलो, इसको कहते हैं अपरेंट पावर, क्या बोलते हैं इसको, बोलो ना। और ये जो बंदा है ना कॉस फाई, कौन भैया, इस कॉस फाई को कहते हैं पावर फैक्टर, सबको मार्क कर लो, सबके नाम मार्क कर लो, किसके क्या नाम है मार्क कर लो भाई। चलो तो क्या क्या देखे हमने एवरीवन, पहले हमने ये फॉर्मूला देखे थे, हाँ फलक, फिर मैंने आपसे कहा कि जो एवरेज पावर है इसको क्या कहते हैं एवरीवन, मतलब इसका एक और नाम है ट्रू पावर। फिर यहां पे क्या लिखा था, बोलो ना यार, बोलो ना,
ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस को क्या कहते हैं भैया? और ये जो बंदा है कौन, इसको कहते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ एवरीवन, सबसे पहले तो ये, अगर इसमें ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस को यहाँ लेके आ जाए तो ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, पढ़ो कॉस वाई, फिर से अभी अभी आपने पढ़ा कॉस वाई को क्या बोलते हैं, एवरेज पावर को क्या कहते हैं, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस को, तो हमारा फॉर्मूला बन गया। अभी ना एक और चीज देखो इधर, अब हम लोग जरा थोड़ी देर सोचते, ये फॉर्मूला किसका बनाए थे हमने, हाँ जरा सोचते हैं, सोचते हमारे पास ना एक पुराना ट्रायंगल है जिसको हमने नाम दिया था, यही तो था वो ट्रायंगल। ओके यहाँ पे एंगल है फाई, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है आर, यहाँ पे आपका रिएक्टेंस है एक्स एल माइनस एक्स सी, और यहाँ पे आपका इम्पिडेंस है जेड। फिर से सुनो, ये कौन है, रेजिस्टेंस आर, बोलो 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 बोलो, अरे बोलो, ये कौन है रिएक्टेंस, कौन है, और ये कौन है इम्पेडेंस। स्पेलिंग यहां पर है, चाहिए तो लिख लो, पहले तीनों के नाम लिख लो, जल्दी जल्दी सबके नाम लिख लो, रेजिस्टेंस रिएक्टेंस इम्पेडेंस। चलो सुनो यहां पे, अब हमको मालूम है एवरीवन, नॉर्मली कॉस थीटा होता है, कभी भी कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन, बोलो ना, हाइपोटेनस, तो बोलो पूरा बोलो, कॉस थीटा, है ना। अब हमारे सीन में थीटा नहीं है बल्कि एडजेसेंट, बाजू वाला, और बाजू वाला कौन है आर, और हाइपोटेनस यानी 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला कौन है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो बोलो, ठीक है एवरीवन। लेकिन हमको ये भी तो पता है कि z का फॉर्मूला ये होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सीधा होल स्क्वायर, तो हम z को ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा पूरा फॉर्मूला हो गया, पूरा पढ़ना जोर से, फर्क आई होप आपने सारी छोटी छोटी बातें सब लिख रहे हो साथ में, तो सब भूल जाओगे, छोटी छोटी बातों में प्रॉब्लम होता है एवरीवन। अच्छा आर कौन है भैया हमारा, और जेड कौन है भैया हमारा, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कॉस वाई इक्वल टू, ये हो गए। अच्छा चलो भाई, अब इसी पे बेस्ड एक स्पेशल चीज सुनो 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 सुनो, ये क्वेश्चन क्या है, डिस्कस नंबर वन, मार्क कर लो ऐसा, तीन अलग अलग केस अपने को पढ़ने हैं, तीन अलग अलग केस हमको पढ़ने हैं, ठीक है। चलो भाई रेडी, अब हमको मालूम है पावर फैक्टर का ये फॉर्मूला है, पढ़ो जोर से, है ना। अब ये बात भी याद रखना, सुनो ये जो नीचे लिखा है Z, क्या याद रखना कि Z का फॉर्मूला क्या है भैया, Z का फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको, फलक पढ़ो, अभी सुनो भाई, सुनो सुनो सुनो। सबसे पहला केस, कौन सा सर्किट है, क्या लिखा है तो बोलो ना, बोलो ना, नॉन इंडक्टिव सर्किट मतलब, नॉन इंडक्टिव सर्किट मतलब, अरे भाई ये वाला सर्किट, सब बोलो, इसी को कहा जाता है, याद रखना एक ही बंदे के दो नाम है, आप प्योरली रजिस्टिव सर्किट बोलो या तो बोलो ना, ठीक है। चलो तो प्योरली रजिस्टिव सर्किट में ये होता है, सब बोलो क्या होता है, बोलो बोलो, ठीक है। अगर एक्स एल इक्वल टू एक्स सी है तो अब आप ही सोचो, हमारा ये जो जेड था, हमारा ये जो जेड था, हम लोग क्या था फलक, अगर ये दोनों इक्वल हो गए एक्स एल और एक्स सी, मान लो ये भी फाइव है ये भी फाइव है, तो फाइव माइनस फाइव तो मतलब ये तो चला ही जाएगा ना, तो सिर्फ क्या बचेगा,
अंडर रूट आर स्क्वायर एग्जैक्टली वही तो है यहाँ पे, देखो क्या बचा अंडर रूट आर स्क्वायर यानी आर आर आर, तो कॉस वाई इक्वल टू कॉस के टेबल में वन आता है क्या? हाँ सर आता है, कब? जब टीटा जीरो होता है। अब यहाँ टीटा नहीं है, फाइव है, तो ये इसका मतलब ये है कि भैया इस सर्किट में, किस सर्किट में ये होता है, क्या होता है? मतलब सर फेज डिफरेंस जीरो होता है, फेज डिफरेंस, तभी तो हम कहते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में इन फेज होता है, सेम फेज होता है, मतलब कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। चलो भाई दूसरी चीज इधर आ जाओ, हाँ पढ़ो भाई केस टू इन। हाँ भैया प्योरली इंडक्टिव या कैपेसिटिव रहा तो अच्छा, अगर R इक्वल टू जीरो, आप ही सोचो cos phi का ये फॉर्मूला, बोलो। अब आप ही सोचो अगर न्यूमरेटर जीरो हो गया तो डिनोमिनेटर कुछ भी रहे, अच्छा इसका मतलब क्या मिला सब बोलो, cos phi इक्वल टू। अब सोचने वाली बात ये है कि क्या cos के टेबल में जीरो आता है? हाँ सर आता है, कब आता है? जब टिट्टा, बस यहाँ पे टिट्टा नहीं है, phi है ये, yes। बात समझ में आई एवरीवन? ओके तो याद रखना, ओके अगर हमसे कहा गया इस केस का पावर निकालो, क्या निकालो? पावर। यार पावर निकालो मतलब, अरे पावर का फॉर्मूला क्या? ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस वाई, याद है? लेकिन यहाँ पे कॉस वाई कितना है, कॉस वाई कितना है, तो बताओ इस केस में पावर का फॉर्मूला क्या आएगा, बोलो बोलो इस केस में, इसको क्या बोलते हैं, सब पूछा जाता है, ठीक है। लिखो इसको, लिखो इसको, पावर का फॉर्मूला क्या होगा पूछा जाएगा आपसे, हियर। चलो रेडी सेकंड केस, तो यहाँ पे कॉस वाई कितना था, वैसे कौन सा केस था ये सब बोलो, बोलो इस सर्किट में cos y इक्वल टू कितना था, अभी याद रखना, सुनो सुनो सुनो, हमारा एवरेज पावर का फॉर्मूला यही है ना, वहां पे cos y की जगह पे क्या डाल देंगे, जीरो, cos 90 जीरो होता है ना, ओके तो पूरा का पूरा क्या हो गया, इसका मतलब इस सर्किट में, किस सर्किट में एवरेज पावर कितना कंज्यूम होता है भाई, तो ये पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। तो ये दो अलग अलग केस थे हमारे, ठीक है। अब इसके बाद एक स्पेशल चीज पे चलेंगे, पढ़ो क्या लिखा है, बोलो ना, वॉटलेस करंट, ओके। अरे वॉटलेस करंट क्या है, अब मेरी बात सुन, सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं, शायद उसी से आपको आइडिया आ जाएगा क्या के वो वॉट यूनिट होता है पावर का, वॉट किसका यूनिट होता है, अभी सुना 50 वॉट का है ना, वोल्ट नहीं वॉट, सॉरी। तब आप ही सोचो वॉटलेस मतलब क्या होगा, एग्जैक्टली जिसमें पावर नहीं होगा, जिसमें पावर कंज्यूम्ड जीरो होगा, देखो लिखा है, अब पढ़ो अलग, मतलब जब भी करंट फ्लो हो रहा है प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर में, और अभी अभी हमने पढ़ा था, अभी अभी हमने पढ़ा था कि प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर में भैया कहाँ गया पावर कितना होता है, पावर कितना होता है, वही तो है, वही तो है, वही तो है, क्योंकि वहाँ पे पावर जीरो होता है, इसका मतलब प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर पावर को कंज्यूम नहीं करता, और इसीलिए उसको कहा जाता है, सब बोलो, वैसे इसका एक और नाम भी है, सिंपल है गेम एकदम, ओके उसी का कंटिन्यूएशन है, ठीक है, क्योंकि कोई पावर नहीं होता ना भाई, तो क्या बोलेंगे, पावरलेस, पावरलेस के बदले उन्होंने क्या बोला, वॉटलेस, ठीक है, वॉट इज द यूनिट ऑफ, चलो भाई ओके रेडी, आखिरी खेल, आखिरी चीज सुनो, क्वेश्चन बराबर से, क्वेश्चन का मीनिंग निकाल लो जरा, सुनो भाई क्या बोला गया, ओके तो इस बारे में ये कहानी है, इन याद रखना LCR सर्किट नहीं है, मतलब सर्किट में सिर्फ L
लौटा रहे। पर इस केस में, किस केस में बोलो ना, ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, और उसका जो पावर फैक्टर है वो कितना, नाम क्या नाम दिया उसको, P1, केस वन, ये केस वन है। केस टू पढ़ो, वेन ओ, अभी सेकेंड केस में क्या हो गया मालूम है, कैपेसिटर विद कैपेसिटर सी को लगा दिए साथ में, और कहानी कैसी थी जैसे पिछली बार क्या था, इस बार क्या है, और इसके पावर फैक्टर को जैसे उसके पावर फैक्टर को क्या नाम दिए थे, केस वन के पावर फैक्टर को नाम दिए थे P1, केस टू के पावर फैक्टर को, और हमसे कहा गया, क्या कहा गया बोलो ना, देर ओके हियर एवरीवन हियर, ले मस्त फैन चल रहा है सर एकदम, हाँ एवरीवन हियर, इसलिए बोल रहा था जल्दी आने का, जल्दी आने का, हाँ पानी वानी तो बहाना है, हाँ भरता मुमरा में पानी, बस इसके यहाँ पे भर रहा पानी, ये इधर एवरीवन हियर, चलो रेडी एवरीवन हियर, चलो सुनो, केस वन कौन सा सर्किट है, उसमें क्या दिया हमको, अब हमको मालूम है पावर फैक्टर का ये फॉर्मूला है, बराबर यही फॉर्मूला है ना, आर अपॉन जेड, अब जेड हमको मालूम है क्या है भैया, जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी द होल स्क्वायर, कम ऑन यही फॉर्मूला है ना, लेकिन पहले केस में तो एक्ससी है ही नहीं है ना, पहले केस में यहां पर कैपेसिटर तो था ही नहीं, बराबर कैपेसिटर तो सेकेंड केस से आया, पहले केस में तो वो, इसीलिए हमने फॉर्मूला से इतना लिखा, पढ़ो कितना लिखा, लेकिन हमसे कहा गया है, बोलो बोलो, अगर एक्सएल इक्वल टू आर है तो यहां पे एक्सएल की जगह पे हम आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, पढ़ो P1 इक्वल टू, अच्छा अभी एक चीज एक बात सुनो, अंडर रूट आर स्क्वायर आर हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी अगला स्टेप ये आएगा ना, आर अपॉन अंडर रूट टू आर आर आर, क्या मिला सब बोलो बोलो, ये मिल गया हमको P1, क्या किया सर, अरे कुछ नया नहीं किया भाई, देखो भाई हमारे पास फॉर्मूले तो थे ही, पढ़ो फॉर्मूला क्या, नीचे जेड है, वैसे जेड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस, लेकिन इस केस में हमारे एक्सी बस ये बचे पढ़ो, लेकिन हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था, यहां डाल दी आर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा टू आर स्क्वायर, कैंसिल वैंसिल किए तो ऊपर आर नीचे अंडर रूट टू आर आर आर, P1 इक्वल टू, पहला केस खत्म, इसको हमने दिए इक्वेशन नंबर, हर छोटी बड़ी चीज को लिख लो। सेकेंड केस, अब सीन में जो पहले थे वो तो थे ही, अब सीन में कौन आ गया, इसलिए फॉर्मूला ये लिखे पढ़ो, फिर से लेकिन क्वेश्चन में एक और बात दी गई थी, क्या दिया गया था भाई, अब आप ही सोचो यार, ये पहले भी थोड़ी देर पहले करा, अगर ये भी 5 है ये भी 5 है तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, चला ही जाएगा ये तो, यानी ये मिलेगा पढ़ो, अंडर रूट आर स्क्वायर क्या होता है, आर आर आर, P2 इक्वल टू क्या मिला, इक्वेशन नंबर 2, बराबर, अब हमारे पास P1 भी है और हमारे पास P2 भी है, और हमसे कहा गया क्या बोलो ना, बस P1 का आंसर क्या है और P2 का आंसर क्या है, तो दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, बराबर ये P1 है ये P2 है, डिवाइड करोगे ये तो 1 ही है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो आंसर क्या आएगा, 1/2, खत्म, तो ये एज सिंपल एज, ठीक है।